Mandal. This is a Mahila Mandal campaign. Okay. Ready? मेरे लिए हैशटैग फेस एनीथिंग का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि पूरी दुनिया आप पे जितना प्रेशर डाल सकती है वो डालेगी, जितना आपको कह सकती है कि आप गलत हो वो कहेगी. वो कहते हैं ना, बहुत पुरानी बात है, लोगों का काम है कहना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो लोग आपसे बहुत सारी बातें कहेंगे टू लाइक स्टॉप योर ग्रोथ और to prove you otherwise, या to make you feel that you are not good enough. मगर जब आप उस fear को, जब आप उस मौके को बिल्कुल आँख में, you stare into that moment and say, I'm better than all of this and I can fight and face anything. Then you break out of that, you know, out of that shield, and then you become a whole new person. I mean, it's metamorphosis. It's compared to what a butterfly becomes when it tears out of that cocoon. And it's not easy. बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है, मगर अगर आप उस एक सेकेंड ऑफ तकलीफ को क्रॉस कर जाते हो, then you become मसाबा. अब मैं क्या बोलूँ, खत्म हो गया सर. I think मेरे हिसाब से जो ये ओले का कैंपेन है इस ज़माने में बहुत ही apt है, क्योंकि I think हम इतनी आवाज़ होती रहती है रोज़, you know, with what people say and इतना सारा criticism, इतनी सारी negative बातें होती रहती हैं, and उस noise को drown out करना बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, whether you're a man or a woman, and you know, you can't generalize. And I think कि जो ओले ने इस बार किया है ये face anything, इसका मतलब ये है जो कुबरा ने कहा कि no matter what life throws at you, जो भी आपके सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है या मुश्किल ना भी हो, आपके खुद के बहुत सारी मुश्किलें अंदर से बचपन से आपके साथ you know रहती हैं, तो उन सब को ओवरकम करने की ही बात है. एंड आई थिंक वो एक मिनट की बात होती है जो अगर आप उसको ओवरकम कर लो तो हर मुश्किल आसान लग जाती है, और आप फिर जब उस मोमेंट को पीछे देखते हैं मुड़ के तो आपको लगता है कि उतना इतना आसान था. वो इतनी छोटी सी बात थी. वो मेरे साथ हुआ था. Like I've been bullied for my name. I've been called Kubra my entire life. But I was called a snake, Masaba the snake. So I'm the same. Yeah. See? And you won't believe it. मैं हमेशा घर जाती थी, रोती थी और कहती थी कि please मेरा नाम बदल दो. Please change my name. I don't like this name. और आज I feel proud of my name. I feel so comfortable
with my identity. क्योंकि आपकी individual identity हो जाती है, and I think औरतों को लेके ज़्यादातर उनकी जो insecurities हैं अपने physical appearance से आती हैं. Yes. और I think यही बात है face anything की कि आपको आपके weight के ऊपर बोला जाता है, आपके skin color के ऊपर बोला जाता है, आपके बालों के बारे में बोला जाता है, आप अगर बहुत ज़्यादा पतले हो गए तो भी आपको shame किया जाता है. तो आप it is true. कुछ नहीं कर सकते. But I think the idea is कि आपको आप अपने अंदर जो एक resilience है वो बना के रखनी पड़नी होती है and then I think everything is okay. Yeah. बिल्कुल. नहीं, आई एम जस्ट गोना से नो बिकॉज मसाबा सेड दिस कि जो फिजिकल बैरियर्स हैं, जो ये कंसेप्शंस हैं या क्रिटिसिजम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ जेंडर एंड नॉट नेसेसरली द फीमेल जेंडर. इट्स नॉट लाइक बॉयज आर नॉट बुलीड. इट डजेंट मीन दैट बॉयज आर नॉट हर्ट. इट्स इट डजेंट मीन दैट देर इज नो स्टेट ऑफ यू नो मेंटल इनसिक्योरिटी फॉर वन जेंडर ओवर द अदर. ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड एज द जेनरेशन ऑफ टुडे क्या हम वो कर सकते हैं कि वो जो गैप है हम इक्वली ब्रिज कर सकते हैं, सो दैट देयर इज इक्वालिटी फॉर द बॉय एंड द गर्ल. कैन वी डू दैट? जो पास्ट में हुआ वो हुआ, ठीक है. आई वॉजंट रेज्ड लाइक दैट. आज भी मेरे लिए मेरे भाई को वही मिलता है जो मुझे मिलता है, उसे भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मुझे मिलती हैं, बट दैट्स द वे आई वॉज रेज्ड. टच वुड, वेरी लकी. मगर टुडे अगर मैं ऐसा होते हुए देख सकती हूँ, कैन आई ब्रिंग इट अप सो दैट इट डजंट हैपन इन द फ्यूचर? कैन आई रेज माई चिल्ड्रन टू बी इक्वल? कैन आई ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट आई वॉन्ट टू सी? येस आई कैन. सो ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे आई थिंक इट्स फॉर एवरी मदर, एवरी वुमन, एवरी मैन टू टेक अ प्लेज टू से वी आर इक्वल एंड इट गोज बियॉन्ड जेंडर. एंड आई थिंक ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो जब हम अब इतने दूर आ गए हैं. करेक्ट. इतने में भी बहुत टाइम लगा, काफ़ी साल लगे लोगों का माइंडसेट बदलने में और वुमेन्स एम्पावरमेंट में. लेकिन मेरे हिसाब से फेमिनिज्म वो है जो आप आदमी को नीचा ना दिखाएं, आप बस इक्वल्स हैं और आपको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए हर एक स्फीयर में. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी don't shame men in order to make women look good. That's very important to do that. It's because true. I think it's become like that. And it's the same with, you know, a fair girl or a dark girl or a big girl or a small girl. Har baat mein ek ko neecha dikhaya jata hai, dusre ko upar. Hum sab saath mein grow kar sakte hain yaar. There's enough space. But I think it'll take time. Yeah, it'll take time. But who's in a hurry? Yeah, I'm not. Yeah, let's just grow together, enjoy the change. वो चीज डिफिकल्ट है मगर लेट्स एंजॉय इट. या इट्स ऑल वी आर सेइंग. ओके, आप दोनों से जानना चाहिए, आप दोनों ने यहाँ पे आपने अनएट्रैक्टिव और आपने बियर्डो को कट किया है, तो इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहेंगे, क्या है इसके पीछे की स्टोरी? तो मैं आईडी ने लिया नहीं, जोकिंग. नो, बस कौन होगा. सो जब मैं बहुत छोटी थी तो बिकॉज आई वाज नॉट कन्वेंशनली कंसिडर्ड गुड लुकिंग एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव जस्ट मेड अप, इट्स द रियलिटी ऑफ गोइंग टू अ स्कूल वेयर यू नो देयर वर अ सर्टेन काइंड गर्ल्स लुक्ड अ सर्टेन वे, देयर हेयर वाज अ सर्टेन वे, देयर बॉडी टाइप्स वर अ सर्टेन वे. मैं बहुत ही एथलेटिक थी, मैं टेनिस खेलती थी और मैं सारा दिन धूप में यू नो लाइक अ बॉय रोलिंग अराउंड. So I just feel like जो लड़के थे they used to call me a man, like you know they used to say tomboy. Yeah, but yeah. I was not even a tomboy, I was a man. Oh, you're a man. Nice. So you know because I was broad-shouldered and this and that, so I was not considered attractive. So I was considered unattractive but hot. You know, तो वो hot तो अब हुआ है, तो तब तक तो मैं unattractive ही थी, तो मैंने अभी strike कर दिया नीचे hot लग दूँगी रख दूँगी. But I just think के जो बचपन से आपको और लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपके साथ स्कूल में हुआ बचपन में हुआ वो आप भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते. वो आपके साथ काफ़ी साल आपके साथ ट्रैवल करता है आपके माइंड में, लेकिन आप इन सब चीज़ों को कितनी देर अपने दिमाग में रख सकते हैं. तो आई जस्ट डिसाइडेड टुडे दैट आई वांट टू स्ट्राइक इट आउट ऑफ माय माइंड एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई आई मीन फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन लाइक अरे यार इसको तो कोई सोच ही नहीं है यार, किसी से भी घुल मिल जाती है, कहीं भी चली जाती है.
बाइक पे बैठ जाती है शी डज व्हाटएवर शी वांट्स टू वेरी सिमिलर यू नो बिकॉज आई वाज वेरी एथलेटिक नॉट लेडी लाइक या शी इज नॉट लेडी लाइक हंस के किसी से भी बात कर देती है शी वॉक्स इन टू अ रूम एंड शी सेज हाई टू ऑल पीपल इन द रूम शी इज नॉट the demureness she doesn't have oh she's weird ye thoda weird hai you know she's a little off so I'm not weird this is who I am okay but jaise ki aapne abhi ye sari cheeze jo batayi don't you think this happens only to girls not to boys no I think it happens to boys also absolutely yeah it happens to boys if you know अगर कोई लड़का फॉर एग्जाम्पल ये सब नहीं करता बाहर नहीं खेलता yeah. सारा दिन मतलब किसी बुक में लगा देन ही इज अ नर्ड एंड ही इज सो वियर्ड या ही इज सच अ गीक और इफ उसको लड़कियां नहीं पसंद उसको डेटिंग डेट नहीं करना ये yeah. नहीं करना वो नहीं करना जो आर यू अ सिसी व्हाई व्हाई यू आर नॉट एनीथिंग यू आर हु यू आर ग्रोइंग टू बी इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आई यूज्ड टू कॉल अ लॉट ऑफ बॉयज वियर्ड इन स्कूल बिकॉज़ आई वाज लाइक दे आर सो weird like you know and yeah. today also like you know if you meet men who are not you know like forthcoming yeah. or who aren't you know outspoken chupchap baithe yeah. rehte hain to aap bolte thoda weird hai ha huh. it takes you a second to yeah. to say that magar agar ladki utna hi bole to oh magar wo ladki weird hai to I mean, what is the point can we not just be who we are yeah this is who I am sorry too late to change okay also guys last question Hi. I don't think that moment exists. Thank you, that ma'am. Moment. Oh, wow. I was waiting for this answer. Coming and going yeah. and coming and going. Yeah. हर बार जब आप कुछ नया करते हैं या कुछ नया ना भी करें, if you're going about life regularly, I think you just have to keep fighting that moment because yeah. When you have a child and then when you have, you know, you have another child and then you become a grandmother, there will be so many moments and. हर एक का फेज हर एक की जर्नी बहुत अलग होती है और हर एक जर्नी पे यू मीट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स विच यू हैव टू कीप फाइटिंग आई थिंक इट्स एन एवरीडे बैटल और रोज़ सुबह उठ के आपको एक डिसीजन बनाना है दिस इज़ व्हाट आई विल अलाउ टू अफेक्ट मी दिस इज़ व्हाट डज नॉट अफेक्ट मी एंड आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट डे इट्स ओनली अबाउट प्रायोरिटाइजिंग द चॉइसेस यू मेक यू विल ओनली बी एज अफेक्टेड एज यू अलाउ समथिंग टू अफेक्ट यू यू नो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ घंटे वो क्या कहते हैं एवरी आवर ऑन एवरी बेस एवरी आवरली बेसिस देर वुड बी समथिंग बिकॉज योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग राइट तो यू ओनली फीडिंग योर सेल्फ यू नो थॉट्स गुड बैड बट द अवेयरनेस टू नो दैट दिस इज अफेक्टिंग मी एडवर्सली या ये नेगेटिव है उस की जो डिफ्रेंसिएशन है वो आप पे निर्भर है सो हाउ स्ट्रॉन्ग कैन यू बी मेंटली सो दैट यू कैन गो आउट देयर एंड फेस एनीथिंग बिकॉज दिस एनीथिंग विल हैपन ऑल द टाइम एवरी टाइम कैन यू फेस इट कैन यू बी मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग कैन यू बी दैट रिजिलियंट कैन यू बी दैट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन इज द क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ ओके आल्सो आई लाइक यू नो 2019 So I'm really excited because last year was like this year ke people were like ah oh, Kubra Sait is an actor so very grateful for last year but this year I'm working with Alankrita Shavastava I have a fabulous show for again Balaji called Verdict then a show for Boot and a show for tripling too so I have a cameo and that I'm damn excited it's really cool stuff secretly dead no wow no aap dekhi okay last OTT platform aapko subscription dena padega okay lastly moments tip for women's ke liye koi message I love it women's day ke liye message it is the 8th of march it's celebrated as international women's day
But it is not just that one day when you need to feel the best of yourself or celebrate your sexuality or your gender or who you are as an individual. Take this day to celebrate every day for the rest of the year and for as long as you are alive. Happy Women's Day. She's always saying what I have to say. Happy Women's Day. I just want to say that today is a great day to make a new start. Even though you can make a start any day, but today is a great day if you need a date attached to it. So make a new start, change how you think, change how your friends and family, loved ones, everyone who you can make a little bit of difference with think, and empower yourself, empower them, empower everyone around you, and live a life that you're proud of and that you're happy with. Happy Women's Day. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can we clap for y'all? Good job, guys.